जालसाजी में एक्सपोर्ट फर्म हुई सीज। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित नामी एक्सपोर्ट फर्म पर पड़े छापे के समय हड़कंप मच गया, जब बैंक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने फर्म को घेरते हुए घंटों चली कार्यवाही के बाद सील कर दिया। इस कार्यवाही के दौरान सपा सांसद एसटी हसन की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बन गई। हालांकि मीडिया को देख कर कुछ देर बाद ही सांसद मौके से चलते बने। कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नंगला रोड पर भारी संख्या में पुलिस पोस्ट देख हलचल बढ़ गई। पुलिस ने इलाके की चर्चित एक्सपोर्ट फर्म को चारों तरफ से घेर रखा था और मेन गेट पर पुलिस की गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। पुलिस के साथ बैंक के भी कुछ अधिकारी मौजूद थे, वहां पर मौजूद फर्म मालिकों से बात कर रहे थे। पूरे मामले में उस समय टर्निंग पॉइंट आ गया जब मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन की लग्जरी कार अंदर दाखिल हो गई। उसने मुरादाबाद सांसद खुद मौजूद थे। दरअसल मामला कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ था। बैंक और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट फर्म जिस लैंड पर चल रही थी वो बैंक के पास पहले से ही बंधक है, जिसके एवज में लगभग 20 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जिसके चलते उक्त संपत्ति मोर्टगेज स्थिति में है। फर्म परिसर में मौजूद उनके वकील तो बैंक पर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे थे, लेकिन आज हुई कार्यवाही किसी बड़ी जालसाजी का एक हिस्सा लग रही थी, क्योंकि इसी तरह से कानपुर में भी इनकी एक संपत्ति को सीज किया गया है। एक्सपोर्ट फर्म के मेन गेट पर उसे रेजिडेंस जाहिर करके लिखवाना भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि बाहर फर्म मालिक का नाम डॉक्टर वासिफ इलाही लिखा गया था और फिर बैंक की रेड के समय सपा सांसद का पहुंचना भी कई सवाल खड़े करता है। कैनरा बैंक और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए लगभग 100 तालों को सील करते हुए अपने कब्जे में लिया और फर्म के सामान को बाहर निकलवा दिया। इस कार्यवाही के दौरान फर्म मालिक डॉक्टर इलाही ने बताया उन्होंने तो 2014 में ये संपत्ति खरीदी थी, लेकिन कितने में खरीदी ये नहीं बता पाए। उनके बात करने में भी झोल नजर आया, जबकि सीज टीम में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया नियम के साथ हो रही है, यह प्रॉपर्टी मोर्टगेज है। से हमने लिया, उसने लिया ना, जिसने उससे लिया था ना उसने लिया। आपने कब खरीदा था ये? ये हमने खरीदा 2004 में। अच्छा, 2014 में बता रहे हैं इस पे लोन लिया गया है? 20 नहीं, 2014 में आर्डर हुआ है बैंक। लोन कितना पुराना है? उससे बहुत पुराना, 2000 से भी पुराना, और उससे बाद चार जगह बिक चुकी। आपने कभी लोन नहीं लिया? नहीं, हमने कोई लोन नहीं लिया। आपके किसी परिवार के सदस्य? नहीं, किसी ने कभी कोई लोन नहीं लिया। तो ये जो एकदम सील हुआ, क्या पहले से आपको कोई जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई इत्तला नहीं करी, सब ये यानी बाला बाला करा। और इनके पास कागज भी नहीं है बैंक के पास, कोई कागज नहीं है बैंक के पास, फालतू मतलब ये बैंक ने फोर्जरी करी है। क्या लगता है आपको क्यों एकदम ये हो रहा है ताबड़तोड़ बिना आपको जानकारी दिए? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो था भी नहीं है, मैं तो भाग के आया हूँ, डीएम साहब के पास गया मैं फौरन। आपकी फैक्ट्री किस नाम से, कहाँ? आर्ट वर्ल्ड के नाम से, तमाम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं हम, और तकरीबन 100 साल से हमारी एसोसिएशन और फैक्ट्री है जी। और 100 साल से हम एक्सपोर्टर हैं, मुरादाबाद को हमने ही एक्सपोर्ट करना सिखाया ज़्यादातर हमारी फैमिली ने। ज़मीन आपने जब खरीदी कितने की खरीदी थी लगभग, क्या? अब ये तो देख के कागजों में बताया जाएगा, ये नहीं, कोई आइडिया नहीं इसमें। तो अभी आप सील करा रहे हैं खामोशी से? क्या करें, जबरदस्ती है, आप देख रहे हैं गुंडागर्दी हो रही बिल्कुल। तो बैंक की तरफ से भी इससे प्रभावित होगा? बिल्कुल होगा, एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज का होगा, वैसे डूब रहा है यहाँ का कारोबार और डूब जाएगा, 10,000 करोड़ से 4,000 करोड़ आ गया। तो निर्यातक है, हम तो देवता है, अल्लाह मियाँ ने हम तो देते हैं एक्सचेंज कमा के, हम कोई लेते थोड़ी हैं। तो अब अगला कदम क्या है आपका? अब इसके कोर्ट में है हमारे केस, सब डाले हुए हैं हमने, दिसंबर में हमें इत्तला हुई है 17 दिसंबर को। जिस तरह से अचानक से ताबड़तोड़ छापामारी करके आपकी फर्म को सीज कर दी, क्या इससे पहले आपको लीगल नोटिस? कोई नोटिस कुछ नहीं दिया, कोई नहीं। ठीक, तो अचानक में कार्रवाई की? अचानक बिल्कुल धोखे से। बैंक कितना लोन बता रहा है, आपको कुछ बताया था? बैंक का पहले तो हमें ये मालूम था 1.5 करोड़ रुपए लोन लिया था किसी ने, अब वो बढ़ के 19 करोड़ हो गया सूद साथ के। ठीक है, हमसे क्या लेना देना उसका? सर मैं क्या करूंगा, मैं तो वकील हूँ, मेरे का क्या है, मेरा काम इस रिकॉर्ड्स को पूरा कराना होता है। किसके ऊपर लोन था, कितना लोन था ये मैं सर बच क्यों रहा बैंक आखिर? बैंक क्यों नहीं बच रहा सर? बैंक इसमें कहीं नहीं बच रहा है, बैंक उसको पब्लिकली कर रहा है, इसमें कोई चीज छुपा के नहीं करी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इनको नोटिस इशू करा गया, इनको सुना गया है, सब चीजें हुई है इनके अंदर।
हम सवाल ये है कि जो मौजूदा मालिक हैं क्या उन पर लोन है? आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे लोन है, ये प्रॉपर्टी बैंक में बंधक है, और जब से लोन चल रहा था क्यों नहीं इन्होंने कंप्लेंट कोर्ट में चैलेंज करा इस चीज को? कितने का लोन है सर? कंप्लेंट कोर्ट होती है, अगर मान लीजिए कल किसी के ऊपर भी कोई चीज कर वो करा जाता है तो एक कोर्ट होती है, DRT कोर्ट है इसकी या हाई कोर्ट है, आप क्यों नहीं गए उसमें? आपको उस ऑर्डर को क्वेश्चन करना चाहिए था, ये परसों का ऑर्डर नहीं है, इस ऑर्डर को भी 4 साल हो गए। फर्म स्वामी तो ये कह रहे हैं सर उनको कोई नोटिस ही नहीं मिला, इशू हुआ है अभी तक। आपने फरम स्वामी अभी सुबह ये कह रहे थे कि हमने DM साहब के एप्लीकेशन रिकॉल कर लिए, आप एक पक्षीय बात क्यों कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं, वो कह रहे हैं अभी दिसंबर में उनको जानकारी मिली है, काफी पहले से नामी है आज की आपको एक नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप आज का हिंदुस्तान देखिए, यही प्रॉपर्टी की नीलामी निकाली है केनरा बैंक ने, एक बार नहीं निकाली है 10 बार निकाली है, इसी प्रॉपर्टी का 10 बार पेपर में पोजीशन नोटिस भी छपा है। सर कितने का लोन था? ये लोन की मेरे को जानकारी नहीं है, मैं इसका अपने लीगल रिकॉर्ड्स आपको बता दिए मैंने।